बाइक भी नहीं मिलता है अच्छा भाई। हाँ और ये कार है हमको धूप से भी बचाएगा, बरसात से भी बचाएगा, कहीं भी लेके चलेंगे तो आदमी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज की जो कार है उस कार की प्राइस सबसे पहले अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि इस प्राइस में आपको एक बढ़िया टू व्हीलर भी नहीं मिलने वाली है जिस प्राइस में ये कार जो है हमारे भाई साहब ने खरीदी है। और ये कार काफी अच्छी है, काफी बड़ी इंजन के साथ भी है, डीजल इंजन के साथ है। और कार को जब आप देखते हो तो इस कार के लिए बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि ये कार मुझे भी इतनी प्राइस में मिल जाए। और इसकी परफॉर्मेंस आप देखोगे, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर या फिर आप हर तरह से देखोगे तो काफी बेहतरीन होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं इस कार के ओनर से भी आपको बात करवाऊंगा कि ओनर ने इस कार को खरीदा कैसे, कहाँ से लिया है और क्या क्या चीजें अभी तक करवाए हैं और इस कार में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं या फिर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। यहां पे आप देखें ये जो कार है ये है, आप देख सकते हैं पूरे फ्रेम में फोक्सवैगन की वेंटो और ये डीजल इंजन वाली है, 1.5 लीटर की डीजल इंजन आती है। इसकी माइलेज पिकअप परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और इस कार की प्राइस अभी जो हमारे इस कार के ओनर हैं वो आपको बता देंगे कि कितनी में ये कार खरीदे हैं और ये कार इन्होंने कहाँ से लाई है। और कार की आप सबसे पहले एक बार एक्सटीरियर आप पूरी देख लो कि एक्सटीरियर इसकी कैसी है। आप चारों तरफ का व्यू देखो तो इसकी अभी तक आप देख लें, ये 2011 मॉडल की कार है और इसकी पेंट की क्वालिटी आप देखिए अभी तक कहीं से भी डिसकलर आपको नजर नहीं आने वाली है। और काफी अच्छी व्यू जो है आपको चारों तरफ से मिलने वाली है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160 या अराउंड 165 mm की आपको मिलेगी। इसके बूट स्पेस जो है वो आपको काफी बड़ी मिलेगी। मैं आपको सबसे पहले ये इसकी बूट स्पेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसकी बूट स्पेस देखो तो 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पे मेरे जैसे दो आदमी जो है आसानी से अंदर घुस सकते हैं, ऊपर से बैग वगैरह भी आप रख सकते हो, इतनी बड़ी बूट स्पेस है। और की मैं आपको दिखाता हूँ तो की यहाँ पे देखें कि लॉक अनलॉक और यहाँ पर से आप बूट को आसानी से ओपन भी कर सकते हो इस ढंग से, तो ये काफी बढ़िया है। बाकी आप इधर साइड देखें और फ्रंट भी देखें, फ्रंट भी काफी अच्छी है। ये कार जो है टॉप मॉडल की कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलॉय व्हील आपको 15 इंच की मिलती है तो काफी अच्छी है। यहाँ पे आप फ्रंट में अगर आप आते हो तो फ्रंट में आप देखो तो हेलोजन हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं और फॉग लैम्प्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो की 2011 की मॉडल है। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरह की कार है। अब तो मोटा मोटा आपको अंदाजा लग गया होगा एक्सटीरियर से कि किस तरह की कार है, इसकी पेंट क्वालिटी या फिर आप बाहर से देखकर के भी आपको पता चल गया होगा कि कार की कंडीशन क्या है। अब मैं आपको इस कार के ओनर से मिलाने वाला हूं। हमारे कार के ओनर जो है परवीन जी वो आ चुके हैं। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कार कहाँ से खरीदी और इनके पास पहले से भी कोई कार है या नहीं है या फिर पहली कार इनकी घर की ये है। परवीन जी, नहीं मेरे पास तो पहले कार है मारुति सुजुकी का डिजायर। अच्छा हाँ, तो उसके जैसे ही और एक कार का आवश्यकता था, जैसे मेरे चाचा है अच्छा अंकल जी हाँ। तो उनको जैसे एक कार कहीं चल जाती थी तो दिक्कत होता था हाँ। तो उसी के चलते हमको और एक कार लेना पड़ा और हमको लेना था सेकेंड ही कार, सेकेंड अच्छा, हैंड सेकेंड हैंड कार हाँ। तो इधर आपके तो, बजट कितनी थी आखिर आप सेकेंड 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख के आसपास। मैंने रामगढ़ में लगभग पूरा देखा सेकेंड हैंड जितना अच्छा जितना कार मार्केट रामगढ़ पूरा पूरा देखा। लोकल सिटी हमारी रामगढ़ है तो वहाँ पर जो है इन्होंने पूरी हाँ, कार देखी तो वहाँ पे समझ नहीं आया। समझ आ रहा था आल्टो अच्छा, मिलता था 2.5 लाख 2 लाख अच्छा। तो और उसी तरह मैंने यूट्यूब में देखा हाँ, बंगाल का अच्छा, वेस्ट बंगाल से मैंने गाड़ी लाया कोलकाता से, आप नंबर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का है तो मैंने यूट्यूब में देखा वहां से, तो वहां पे देखा मैंने फोक्सवैगन का ही पोलो तो हम वो गाड़ी देखने के लिए गए थे सोचे जाके देख लेते एक बार। तो हम जैसे गाड़ी देख ही रहे थे गाड़ी वो अपना देख रहता है और उसी टाइम ही गाड़ी आया। अच्छा ये वेंटो हाँ, ना हमको लगा कि कोई कस्टमर लेके आया है अच्छा देखने के लिए गाड़ी अच्छा, लेकिन मैंने बात किया बोला नहीं ये गाड़ी आज ही खरीद के लाए हैं अच्छा बेचने सेल का ही हाँ सेल का ही अच्छा। तो हमको पसंद आ गया देखते ही अच्छा, फिर मैंने चला उला के देखा हाँ, हमको पसंद आ गया, सारा चीज एक नंबर है, सारा पूरा फुल कंडीशन में है गाड़ी। कार कितने में आपने खरीदा सबसे पहले ये बताइए? 1,80,000 में। देखो मैंने आपको बताया था कि ये कार इतनी सस्ती खरीदी गई है कि अभी अगर आप KTM लेने जाओ तो आपको नई नहीं मिलने वाली है। 1,80,000 में आपको फोर व्हीलर 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ये आती है। इसके मैक्स पावर मुझे लगता है कि 106 या 109 BHP की आती है तो पावर की कोई भी कमी आपको नहीं होती है। तो ये चीज है 1,80,000 में ये
इस कार को लाए हैं। अब आप खुद कमेंट करके बोलना कि ये कार 1,80,000 में कैसी है। अच्छा, आपने ये कार तुरंत देखते के साथ फाइनल कर ली या नहीं? नहीं, चला उला के मैंने वहाँ पे चलाया। अच्छा, वहीं पे। अच्छा, लगभग 5-10 किलोमीटर चलाया। 5-10 किलोमीटर चलाने के बाद इसका इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह एकदम फुल कंडीशन, सारा चीज टोटल A to Z। अच्छा, जो आप पोलो लेने के लिए गए हुए थे वो कार आपने देखी थी? हाँ, वो भी लगभग 1 साल, मतलब 11 मॉडल है, 12 मॉडल था। अच्छा, एक रेट सेम ही था, लेकिन इसे टायर वायर सब कंडीशन में थोड़ा खराब था, मतलब इससे लो था। और इससे खराब था उसका टायर वगैरह? हाँ, और गाड़ी भी आपको छोटा? ये तो सेडान कार है, सेडान कार है, डिक्की बूट टूट सब हमको मिल जा रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज और आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जब आप कलकत्ता से ऑन रोड इसको लेकर खाए? ऑन रोड हम खुद चला के डीजल लाई, मतलब खाई थी 1900 का मात्र, उसमें भी मेरा बच गया था तेल। और कितना किलोमीटर होता है कलकत्ता? लगभग 400। लगभग 400 किलोमीटर, और ट्रैफिक वगैरह भी अलग से है ना, तो सोचिए कि 400 किलोमीटर 1900 का डीजल, यानी कि लगभग 96 या 97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पे है डीजल, और वहां पर तो बंगाल में ज्यादा ही है, लगभग 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि 19 लीटर में ये 400 किलोमीटर के ट्रिप करके आए हैं, तो आप डिवाइड कर लेके कितनी के माइलेज इसको मिली। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी पिकअप आपको अभी तक कैसी लगी? एकदम ठीक है पिकअप, मतलब ठीक है गाड़ी। इंजन से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंजन और पिकअप से बोले तो हम कोलकाता से हम खुद चला के लाए, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम पुराना गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, 12-13 साल पुराना गाड़ी चला रहे, कभी नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा? हाँ, ना ये फील कभी नहीं हुआ? हाँ। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि ये कार कितने की है, 1,80,000 की है, और इसकी एक्सटीरियर आपने देख लिया, इंटीरियर इसका देखते हैं और इसको चलाते हैं, फिर चलाते चलाते बात करते हैं सही में इसकी एसी की कूलिंग कैसी है और चलाने में क्या कुछ ये कार मजा देती है अभी भी। हालांकि ये कार प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक, प्रीमियम सेगमेंट की सेडान कार के रूप में आप जानते हैं इसकी, अगर आप कंपैरिजन करें तो होंडा सिटी और हुंडई की वरना से आप कर सकते हो। फोक्सवैगन वेंटो जो है वो भी यही कैटेगरी में आती थी और काफी बढ़िया कार ये रह चुकी है फोक्सवैगन की तरफ से। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है। सबसे पहले आप देखें तो लॉक अनलॉक मैंने आपको किसे बता दिया था, बाकी आप डोर की अगर आप बात करें मोटा मोटी तो आप चला के खुद देख लीजिए गाड़ी, उसके बाद तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोर में सारे फीचर कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं, यहाँ पर से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर से आप बूट को भी ओपन कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है वो आपको डोर में ही देखने को मिल जाती है। बाकी आप डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं कि डैशबोर्ड जो है वो काफी बेहतरीन आपको मिलती है और डैशबोर्ड से कोई भी दिक्कत नहीं, अभी भी आप प्लास्टिक की क्वालिटी देखें तो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड वाली है और ये बाद में लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो है ये लगी हुई मिली थी, इनबिल्ड इनको मिल गई थी, जो कस्टमर फर्स्ट कस्टमर थे वो उन्होंने इसे लगाया था और काफी अच्छी इसकी भी क्वालिटी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी चली है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लगभग अराउंड जो है ये 62,000 किलोमीटर चल चुके हैं। रियर डोर आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पे आपको रियर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स और यहाँ पर भी आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं। मजे की बात एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पीछे से ही इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो, देखिए इस ढंग से, और काफी इजी आपको यहाँ पे अगर लेग रूम चाहिए या फिर नी रूम चाहिए तो आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर पीछे कोई है तो भी पूरे पीछे करने के बाद भी इतनी स्पेस बनती है, और अगर आप पीछे अकेले हैं और को ड्राइवर साइड कोई नहीं है तो आप यहाँ पे इसे आसानी से आप इतनी बड़ी स्पेस जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अब चलिए कार को ड्राइव करते हैं फिर जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो मुझे अच्छी लगती है और आपको भी, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले सीट बेल्ट जो है, जब भी आप कार में बैठते हो या ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगा लें, क्योंकि सीट बेल्ट आप लगाते हो तो सेफ रहते हो। कार को स्टार्ट करता हूँ, देखिए कार जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एसी चला लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और इससे यह भी पता चल जाएगा कि एसी की कूलिंग जो है वो कैसी है। वाह, देखिए कार कितनी आसानी से, मतलब आपको पावर जो है ना, पावर भरपूर मिलती है, पावर में आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। बाकी देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट इधर सामने में, और रियर में तो मिलता ही मिलता है। बाकी आप हेडरूम वगैरह देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और सबसे बढ़िया इस
कार की मुझे जो पसंद आ रही है वो है इसका स्टेयरिंग, यानी कि राइड एंड हैंडलिंग जो है वो काफी अच्छी लग रही है अभी। और कार में देखिए एसी अभी स्टार्ट किए हुए हैं और एसी जो है वो काफी अच्छी कूलिंग दे रही है। आप लोग आए थे कलकत्ता से, तो वहां से एसी से आए थे या नॉन एसी? एसी में ही आए थे। देखिए अभी बहुत ज्यादा बाहर मुझे लगता है कि अभी लगभग जो है 32-35 लगभग हीट होगी, यानी कि डिग्री, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो तुरंत जो है 2 मिनट के अंदर जो है केबिन ठंडी हो गई है। तो एसी अभी भी काफी अच्छा काम कर रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने किलोमीटर ये चल चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 65,504 किलोमीटर जो है ये टोटल चल चुकी है। यहाँ पे आप देखो तो 65,504 किलोमीटर, यानी कि कार हालांकि हुई ज्यादा दिन है 11 साल, लेकिन 11-12 साल के आसपास, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा चली नहीं है जितनी चलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी समय के साथ जो है किसी भी चीज का बुढ़ापा आ ही जाता है। लेकिन इस कार के अभी तक आप इंटीरियर पूरा देख लो, स्टेयरिंग देख लो, प्लास्टिक मटेरियल देख लो, या फिर सीट की कुशनिंग कवर देख लो, पूरा इंटीरियर आपको नीट एंड क्लीन लगने वाला है। और स्पेस जो है हर जगह आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लोव बॉक्स वगैरह जो है वो भी काफी बड़ा है, और इतना बड़ा है कि आपको अभी की गाड़ियां जो है, बहुत गाड़ियां इतनी बड़ी ग्लोव बॉक्स जो है वो ऑफर नहीं करती है। ये सारी चीजें है। बाकी आप इसका एंड्रॉयड सिस्टम जो है ये हालांकि बाद में लगाया गया है, लेकिन इनको जो है ये लगी हुई मिली है। तो ये जितनी स्पीड आप चलते हो वो यहाँ पर भी शो करता है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सारा चीज, और बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो आपका मिलता है, एंड्रॉयड सिस्टम है। इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इधर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। नॉर्मल जितनी गाड़ियां होती है उसमें इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा उल्टा है, कुछ इधर भी कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं जब इस कार को चला रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और पावर पिकअप की कोई भी मुझे कमी जो है वो खल नहीं रही है। अब इसका सस्पेंशन थोड़ा सा चेक करता हूँ, क्योंकि सड़क जो है वो भी थोड़ी, हम लोगों की जानते हैं कि टूटा फूटा सड़क होता है, और इस कार को हर तरह से चलाना है। और इधर आगे जो है देखिए सस्पेंशन भी काफी अच्छा है, अभी तक सस्पेंशन से भी कोई आवाज नहीं है। और इंटीरियर आप पूरा देखो तो इंटीरियर से कहीं भी आपको कोई भी आवाज किसी तरह की देखने को आपको नहीं मिलती है। और कितना आराम से ये कार चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि 1,80,000 में ऐसी कार अगर आपको मिलती है तो आप कहीं से भी ना छोड़े इस कार को। क्योंकि 1,80,000 में अगर आप देखने जाओ तो आपको ज्यादातर ऑल्टो ही मिलती है वैसे, और आप इस तरह की कार कोई सिडान अगर आप लेते हो तो ज्यादातर इस कंडीशन में या ये कार आपको नहीं मिलती है। और ये लग था कि इनको मिल गया तो काफी बेहतरीन है। बोले तो हमको लगा कोई कस्टमर देखने आया गाड़ी लेके। अच्छा जैसे हम लोग पसंद कर लिए, हम मतलब सोचे, लेकिन फिर पूछे तो बोला कहीं भी अभी ही खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, तो उसी टाइम मैंने इसको डन कर दिया। ये चीज है, झारखंड का आदमी बंगाल जाकर लेता है, कोलकाता से गाड़ी उठाता है, इस तरह की गाड़ी मिलती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अभी तक आपके पास ये कार जो है ये कितने दिन रह चुकी है या कितने महीने हो चुके? 6 महीना लगभग। 6 महीना में इसमें कुछ और खर्चा? कुछ एक रुपया खर्चा नहीं, कुछ भी खर्चा अभी तक नहीं हुआ है ना? नहीं, कुछ खर्चा नहीं। ये देखिए बहुत सारे लोग जो है अपनी कार लेने के बाद, पुरानी कार खास करके लेने के बाद, उसमें 10-20 हजार का काम करवाते हैं, इंजन से रिलेटेड या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर से रिलेटेड, लेकिन इन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया है और अभी तक कार पूरी नीट एंड क्लीन है। तो ये सबसे बढ़िया है, और कार चलाने में काफी अच्छी स्मूथ, और स्टीयरिंग फीडबैक, ब्रेकिंग काफी अच्छी है, सारी चीजें जो है मुझे काफी अच्छी लगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कार कैसी लगी, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के अंदर जो है इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस कार को मैंने लगभग ऑफ रोड किया, ग्राउंड में चलाई, हाईवे पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं से भी इस कार में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 2011 मॉडल की कार चला रहा हूँ, ना पावर से, ना पिकअप से, ना किसी तरह से इंटीरियर से कोई आवाज आ रही है। काफी अच्छी एसी के कूलिंग जो है वो काफी बेहतरीन है। तो ये कार इनको मिली है, लग समझिए या फिर जो भी हमको कार मिल गया इतना में। अच्छा, हम तो पूरा संतुष्ट हूँ कार लेके। अच्छा हाँ, काहे कि आजकल 1,80,000 में बाइक भी नहीं मिलता है। अच्छा भाई, हाँ, और ये कार है, हमको धूप से भी बचाएगा, बरसात से भी बचाएगा, कहीं भी लेके चलेंगे तो आदमी
हाँ, जब भी आप इस कार को लेकर के जाते हैं तो आदमी का रिएक्शन दोस्त क्या लोग होता सब बोलता है कि यार कहाँ से खरीदा कार, कब का कार है। हम बोले अरे यार अच्छा, एक लाख अस्सी हजार कोई विश्वास नहीं करता। जब आप बताते हैं कि एक लाख अस्सी हजार की कार, कोई विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं होता है ना। सब बोलता है अभी हम तुमको दे रहे हैं, हमको दे दो। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।